देश प्रदेश की खबरों के लिए आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। खगड़िया से हमारे संवाददाता सुरेश नायक के अनुसार बबुआगंज मोहल्ला में छठ पर्व को लेकर पूजन सामग्री समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए अनिल यादव ने कहा, पूजन सामग्री सामग्री का वितरण करने से भाईचारे का संबंध स्थापित होता है। मौके पर डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा, छोटू पंडित सहित दर्जनों नागरिक मौजूद थे। वहीं वैशाली जिले के हाजीपुर में जदयू जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का सम्मेलन जिला अध्यक्ष बसीम राजा के नेतृत्व में इंडोर स्टेडियम में संपन्न हुआ। हाजीपुर से JNA के नसीम रब्बानी ने बताया, सम्मेलन में दूर दराज से काफ़ी संख्या में जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता मौजूद थे, जबकि खगड़िया प्रखंड के गंगौर में ग्राम में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हमारे प्रतिनिधि कौशल कुमार सिंह के अनुसार प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों को पुरस्कार भी वितरण किया गया। वहीं मधुबनी से JNA के अनुसार बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी संघ गोप गुट का सम्मेलन शुरू हो गया, जबकि रोहतास से हमारे संवाददाता संदीप बेलारी के अनुसार विद्यालय में कार्यरत रात्रि प्रहरी को हटाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस संबंध में रात्रि प्रहरी प्रतिनिधियों ने जगदूत न्यूज को अपनी आप बीती कहानी बताई। 2018 में जो है तो बहुत सारे हमारे रात्रि प्रहरी भाइयों के साथ अन्याय किया गया, हटा दिया गया, जबकि प्रबंध कमेटी को मानव संसाधन विभाग के द्वारा दूसरी चिट्ठी भी नहीं मिली। बिना चिट्ठी के आयोग में प्रधानाध्यापक अपनी मनमानी के द्वारा अपनी दबंगता का परिचय देते हुए रात्रि प्रहरी को हटाने का काम किया है, जबकि सरकार के पास उसको कोई हटाने का निर्देश नहीं दिया गया है। चलिए ठीक है, मैं अब आपसे, आपका शुभ नाम सर? संजय सर। आप इसमें संस्था में कुछ पद उद पर हैं? हाँ जी, नाइट गार्ड में रात्रि प्रहरी काम करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? जो हमारा एक 12/2009 को योगदान हुआ और टोटल हम 18 माह कार्य किए प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय नुखा में। हमको सादे कागज पर प्रधानाध्यापिका ने बोली कि आपका वेतन 6 माह का जो बकाया भुगतान करना है उस पर हस्ताक्षर दे दे, आप बना दे और आपको कंप्यूटर में बैंक में हस्ताक्षर का नमूना भेजना है। उसी हस्ताक्षर का नमूना कथनानुसार हम किए और उसका बयान मिला। हमको सादे कागज पर टाइप करा कर बोली कि मैडम की आपका नियुक्ति रद्द किया जा रहा है। उसी समय से हमको झांसा देकर हटा दिया गया। तो नियुक्ति रद्द किया जा रहा है तो उस विषय पर फिर आपने बात नहीं की कि आप फिर क्यों नियुक्ति रद्द किया गया? तो बोली कि ज़्यादा बोलिएगा कम, तो अब जो भी पेमेंट लिए 18 माह का वो भी आपको लौटाना पड़ेगा। इस विषय पर आप आगे गए DM साहब यहाँ? जिला DM साहब के गए तो DM साहब कुछ भी नहीं सुने, उनकी निराश होकर चले आए घर पर। तो उसके बाद क्या करेंगे आप? कल हाईकोर्ट में रिट करेंगे। जबकि बेगूसराय से हमारे संवाददाता मोहम्मद नवी आलम के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में सुधार को लेकर जन अधिकार पार्टी के जिला इकाई के द्वारा आंदोलन शुरू कर दिया गया है। आंदोलन के तहत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे तथा बेगूसराय CS का पुतला दान कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।